आज माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग है, हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। और दूसरा, अन्यथा लगता है कुछ ऐसा, तो ये लोकतांत्रिक मुल्क है, हमें दिल्ली में पीसफुल ढंग से अपना आंदोलन करने की इजाजत दी जाए, ये रास्ते सरकार खुद स्वयं खोल दे। और जो एजेंडा होगा वो वही है जो हमने 10 मांगों का दिया हुआ है, जिनमें से एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात है, सभी फसलों के दाम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम कहते हैं दीजिए C2+50%। इसके अलावा जो गन्ने का रेट है C2+100% से दीजिए, और किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी होनी चाहिए, और भी पहले मानी हुई हमारी मांगे हैं। एक मैं बोलना चाहूँगा, जो अभी बिजली एक्ट 2023 सरकार ने बना लिया है, जो बोलते थे हम स्टेक होल्डर से बात करके आएंगे, हाँ उनमें किया क्या है कि जो भी स्टेट सरकार किसान को और किसी को भी सब्सिडी देना चाहती है उसका प्रावधान कर दिया कि आप सब्सिडी दे सकते हैं। पर हमारी मांग यह रही है कि ये निजीकरण की नीति है, इसे लाना नहीं चाहिए। जब पहले के कानून 1948 का बिजली एक्ट था, जब उसे तोड़कर 2003 एक्ट आया तो प्राइवेट कॉरपोरेट को बिजली पैदा करने के अधिकार दिए गए। अब जब 2023 एक्ट आया है तो प्राइवेट कॉरपोरेट को बिजली के दाम तय करने के भी अधिकार मिल गए हैं। इससे पूरे देश के आम लोग, साधारण जो उपभोक्ता हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा